हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी क्लास आयुष। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस वीडियो का पार्ट वन कर दिया था। मैटर चैप्टर का हमने सिंपली वॉल्यूम, मास, मैटर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, ये सब हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर में। ठीक है, तो मैटर्स कितने स्टेट में आते हैं? मैटर्स की मेनली थ्री स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, तो क्या क्या होंगे हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सॉलिड का। ठीक है, सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट का मतलब जो चेंज नहीं हो सके। तो सॉलिड्स का जो शेप होता है वो एकदम डेफिनेट होता है और उसकी जो वॉल्यूम होता है वो भी डेफिनेट होता है। ओके, अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि वॉल्यूम क्या होता है। वो जितना जगह लेता है उसी को हम लोग कहते हैं उसका वॉल्यूम। ठीक है, क्यों सॉलिड का जो शेप है वो एकदम डेफिनेट होता है, कभी चेंज नहीं हो सकता, और उसका जो वॉल्यूम है वो भी चेंज नहीं होता? तो देखो, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, एकदम आपस में बहुत अच्छे से पैक्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बहुत ही कम होगा और बिल्कुल भी इनके बीच में जगह नहीं है, तो ये अपना जो शेप है वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इनका इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो इतना ज़्यादा है कि वो उन्हें आपस में कभी दूर जाने ही नहीं देता और इन्हें एकदम अच्छे से होल्ड करके रखता है। और इंटर मॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो तो नेग्लिजिबल है, यानी बिल्कुल ही नहीं है, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कभी भी ठीक से फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ये बस वाइब्रेट करते हैं नॉर्मली। ठीक है, आगे पीछे लेफ्ट राइट ज़्यादा नहीं हो पाते, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। उसके बाद तो हाँ, इसलिए सॉलिड जो होते हैं वो एकदम रिगिड होते हैं, बिल्कुल उनका शेप चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है और लगभग इनकॉम्प्रेंसिबल होते हैं, यानी इनको कंप्रेस भी नहीं कर सकते, दबा के मतलब इसको चिपटा भी नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद आता है लिक्विड। ठीक है, लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो तो डेफिनेट होता है। ठीक है, यानी जितना जगह ले रहा है वो लिक्विड उतना ही जगह लेगा, लेकिन उसका जो शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता। आप जिसको जिस कंटेनर में रखोगे ये उसका शेप ले लेगा, अगर ग्लास में रखा है तो ग्लास का शेप ले लेगा, अगर वॉल में रखा है तो वॉल का शेप ले लेगा। ठीक है, लेकिन वो शेप उतना ही लेगा, जगह उतना ही लेगा, वॉल्यूम जो है वो उसका उतना ही है। ठीक है, अगर आप सिंपली जो फिजिक्स का जो चैप्टर वन है मेजरमेंट, अगर आपने वो वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मतलब जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, लिक्विड के वॉल्यूम को किससे मापा जाता है, ये सब मैंने चैप्टर वन जो है फिजिक्स का मेजरमेंट उसमें मैंने अपलोड किया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। उसमें आपको एकदम अच्छे से मालूम चल जाएगा कि वॉल्यूम क्या होता है, लिक्विड के वॉल्यूम को कैसे पता करते हैं, ये सब आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, जो लिक्विड होते हैं इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मतलब लेस टाइटली पैक्ड होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में। ठीक है, यानी इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल्स है हल्का फुल्का दूर दूर होगा। ठीक है, इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो थोड़ा कम होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, और इनके जो बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो भी ज़्यादा होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, इसलिए इनको हम लोग थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, यानी इनको दबा सकते हैं और इनको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड जो होती है वो फ्लो करती है, यानी वो ऊपर से नीचे की तरफ बह सकती है, यानी फ्लो कर सकती है, और जो भी चीज़ें फ्लो हो सकती हैं उनको फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली लिक्विड और एयर जो होता है उनको फ्लूइड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड जो होता है वो मेनली ऊपर से नीचे यानी हाई से लो की तरफ फ्लो कर सकता है। कुछ लिक्विड्स का एग्जाम्पल देखते हैं तो वो है वाटर, मिल्क, ऑयल, एल्कोहल, पेट्रोल एट्सेट्रा, ये सब बहुत सारे हमारे पास क्या हैं, लिक्विड्स हैं। नेक्स्ट में जाते हैं तो ये है गैस। गैस का ना ही कोई डेफिनेट शेप होता है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम। अ गैस हैज नाइदर अ डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे मान लो कि ये गैस है, इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होंगे, इनके बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत कम होता है या फिर नहीं के बराबर होता है, जबकि इनके अंदर का जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए गैस जो है वो जहाँ भी जाते हैं एकदम फैल जाते हैं, एकदम लोगों की तरह ये फैल जाते हैं। ठीक है, और ये इसके पार्टिकल्स एकदम आराम से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में किसी भी तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है या फिर बहुत कम है। ठीक है, ये हर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, जैसे लिक्विड जो था वो सिर्फ ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा था, लेकिन जो गैस है वो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब जगह फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो लिक्विड भी जो गैस भी जो है वो एक तरह का फ्लूइड है। गैस को कंप्रेस भी किया जा सकता है, इसके अंदर मॉलिक्यूलर गैप्स बहुत होती हैं। ठीक है, तो इसको ठंडा करके या फिर प्रेशर देके इसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, यानी इसको दबा सकते हैं। तो अगर हम लोग मान लो गैस को दबाएंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, आप याद रखना कि अगर गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जाए या बहुत ठंडा कर दिया जाए तो सिंपली वो लिक्विड में चेंज हो जाता है।
ठीक है, तो एयर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके लिक्विड बनाते हैं। आपने लिक्विड नाइट्रोजन सुना होगा जो बहुत ठंडा होता है, लिक्विड ऑक्सीजन सुना होगा जो भी ठंडे होते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन भी सुना होगा, ठीक है। तो इनको कैसे बनाते हैं लिक्विड में, तो इनको बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है, यानी दबाया जाता है इसको प्रेशर दे के, जैसे प्रेशर कुकर में जो प्रेशर देते हैं वैसा प्रेशर, या फिर इनको ठंडा किया जाता है बहुत ज़्यादा, -200 तक ठंडा करते हैं, तब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये लिक्विड फॉर्म में आते हैं और इनको इस तरह के सिलेंडर्स में भर कर बेच जाता है, और सिंपली गैस जो होती है वो भी जिस कंटेनर में रखो उसका शेप ले लेती है। जैसे फुटबॉल में डालोगे तो गोल का शेप ले लेगी, अगर कोई स्क्वायर चीज़ है तो उसके अंदर डालोगे तो वो स्क्वायर का शेप ले लेगा, जिसके अंदर भी आप उसको रखोगे वो उसका शेप ले लेता है, ठीक है। और एक और एग्जांपल है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मतलब बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं। जैसे मान लो आपने क्या किया, रूम में फ्रेग्रेंस जो होती है, परफ्यूम जो होता है, उसको स्प्रे किया, कुछ ही देर में जो परफ्यूम है वो पूरे रूम में फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो सिंपली क्या हुआ कि आपके आसपास के जो परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरे हवा में चारों तरफ फैल गए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल है कि एक कलर गैस हमने लिया और एयर लिया, ठीक है, कलर गैस को इसके ऊपर डाल दिया, ऐसे करके पलट दिया इसको, ठीक है। अब जब हमने हटाया, जब इसको देखा, तो कलर गैस जो है वो दोनों कंटेनर में ऐसे करके फैल गया, ठीक है। इससे मालूम चल गया कि गैस जो होता है वो चारों तरफ स्प्रेड कर जाता है, ठीक है। ये कलर गैस था, इसके ऊपर हमने एयर वाला जो कंटेनर है उसको ऐसे करके रख दिया, उल्टा करके रख दिया और इसको खोल दिया, सिंपली जो कलर गैस है वो सब तक ऐसे करके फैल जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो गैस होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स हमेशा फ्लो करते हैं, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, हर तरफ वो फ्लो करते हैं। उसके बाद देखो, ऑल द सब्सटेंस दैट कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड, ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो करे उसको क्या कहा जाएगा, फ्लूइड। तो गैस और लिक्विड जो होते हैं उनको फ्लूइड कहते हैं। गैस जो होती है वो हाई से लो की तरफ फ्लो करती है, लेकिन सॉरी, लिक्विड जो होता है वो हाई से लो की तरफ आता है, जबकि जो गैस होते हैं वो हमेशा हर तरफ जा सकते हैं, वो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर तरफ हो जा सकते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होता है, और स्पेस जो होती है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो लिक्विड होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लेस टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके अंदर का जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इनके अंदर का जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है वो जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है। यानी गैस से तो ज़्यादा होगा लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में कम होगा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, और जो स्पेस है वो भी सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। और लास्ट आता है हमारा गैस, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत ही कम होता है। अगर आप बैठ के इसको लिख के पढ़ते हो, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है तो स्पेस कम होगा, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं डिफरेंस। ये डिफरेंस आपको एग्जाम में पूछता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस के हिसाब से क्या डिफरेंस आता है। तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, एकदम सामने सामने, एकदम एक साथ चिपके होते हैं, ठीक है। और इनके बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है वो नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल ही नहीं होता है। इसके अलावा जो लिक्विड होता है उसके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं वो नॉट क्लोजली पैक्ड होते हैं, या फिर लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है। और इनके बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है वो ज़्यादा होता है थोड़ा सॉलिड से। इसके अलावा जो गैस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, इनके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होती है, और जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। स्पेस के हिसाब से बात करें तो सॉलिड का जो स्पेस होता है वो एकदम फिक्स्ड होता है, वो शेप चेंज नहीं करते अपना, ठीक है, उनका जो शेप है वो चेंज नहीं होता। जबकि लिक्विड जो है वो शेप चेंज करता है, जिस कंटेनर में रखोगे वो उसका शेप ले लेगा। जबकि गैस जो होता है इनका भी कोई फिक्स शेप नहीं होता, ये भी जिस कंटेनर में रखोगे ये उसका शेप ले लेंगे। उसके बाद आते हैं वॉल्यूम में। तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता। फ्लूडिटी, यानी वो कैसे फ्लो करते हैं, तो सॉलिड तो बिल्कुल फ्लो नहीं करता, ठीक है, कहीं भी फ्लो नहीं करता। जबकि लिक्विड जो होता है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है। लेकिन गैस जो है वो सारे डायरेक्शन में फ्लो करती है, गैस फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस। इसके बाद प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर।
तो अगर प्रेशर दिया जाए तो सॉलिड को हम लोग बिल्कुल ही कम प्रेस कर सकते हैं, बहुत कम प्रेस होता है। रबर जैसा चीज़ जो होता है वो थोड़ा बहुत प्रेस हो जाता है, बाकी जो जो सॉलिड्स होते हैं जैसे मान लो ब्रिक हो गया या फिर वुड हो गया, इनको प्रेस करना तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। इसके अलावा लिक्विड जो होती हैं इसको हम लोग थोड़ा ज़्यादा प्रेस कर सकते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में, इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज हायर देन ऑन द लिक्विड सॉलिड। जबकि जो गैस होती है उसको सबसे ज़्यादा प्रेस कर सकते हैं, गैस को हम लोग मान लो कि पूरे रूम के गैस को हम लोग इस छोटे से कंटेनर में प्रेस करके रख सकते हैं, ठीक है, और प्रेस करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा और उसको हम लोग रख सकते हैं। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी कैसा होता है, मैंने उसके आर पार दिखता है या नहीं दिखता है, तो देखो सॉलिड का जो होता है इसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं होती है, तो ओपेक होता है, इसके आर पार तो आप बिल्कुल नहीं देख सकते हो, जैसे वुड हो गया, स्टोन हो गया, इसके आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते हो। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिसके आर पार दिख सकते हैं, जैसे ग्लास और डायमंड जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसके आर पार दिख सकता है, लेकिन मेनली जो सॉलिड्स होते हैं वो ओपेक होते हैं, उनके आर पार बिल्कुल नहीं दिखता। लिक्विड्स, कुछ लिक्विड्स जो होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन कुछ लिक्विड ऐसे होता है जिनको जो थोड़े ट्रांसलूसेंट होते हैं उनके आर पार थोड़ा बहुत दिखता है, जैसे पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, इन सब के आर पार थोड़ा बहुत दिख जाता है। मेनली जो लिक्विड्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट ही होते हैं। गैस तो फुल्ली ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार एकदम आराम से दिखता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके आर पार आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। लस्टर, लस्टर यानी चमक, यानी शाइन करते हैं वो या नहीं, ठीक है। सॉलिड जो होते हैं, जो मेटल्स होते हैं सॉलिड में, वो शाइन करते हैं, वो लस्टरस होते हैं, वो चमकते हैं, जबकि लिक्विड जो होता है उसमें भी मर्करी जो होती है वो लस्टरस होती है, ठीक है। और गैस जो होता है वो बिल्कुल भी लस्टरस नहीं होता, अगर गैस लस्टरस होती तो आपको कुछ दिखता ही नहीं, आपके आसपास बहुत ज़्यादा चमकता, जैसे स्टार्स चमकते हैं वैसे गैस भी चमकता, तो गैस बिल्कुल भी लस्टरस नहीं होता, वो बिल्कुल भी शाइन नहीं करता। इसके बाद सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो सिंपली जो ज़्यादातर सॉलिड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, जैसे वुड हो गया, मड हो गया, ग्लास हो गया, ये सब बिल्कुल भी सिंपली वाटर में नहीं मिलते, इनसॉल्युबल होते हैं। जबकि कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं, जैसे सॉल्ट या शुगर, ये सब जो होते हैं ये वाटर में मिल जाते हैं, तो ये सॉल्युबल है। इसके अलावा लिक्विड जो होता है वो मिसिबल होता है, कुछ लिक्विड्स आपस में मिलते हैं जबकि कुछ लिक्विड आपस में नहीं मिलते, जैसे कि मान लो कि वाटर और अल्कोहल जो होता है वो आपस में मिल जाता है, या फिर अल्कोहल और विनेगर जो है वो आपस में मिल जाता है, तो जो लिक्विड आपस में मिल जाते हैं उनको मिसिबल कहा जाता है, और जो लिक्विड आपस में नहीं मिलते उनको इमिसिबल या नॉन मिसिबल कहा जाता है। जैसे मान लो पेट्रोल और वाटर जो है ये एक नॉन मिसिबल है, ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलते। उसके बाद गैस जो होती है ये इनसॉल्युबल ऑफ वाटर होती है, ये हमेशा पानी के अंदर नहीं मिलती, कुछ गैस को छोड़ दे तो, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गए, ये गैस जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब को हम लोग वाटर में मिला सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा, इंटरकन्वर्शन ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। हम लोग क्या सॉलिड को लिक्विड या लिक्विड को गैस या फिर गैस को लिक्विड बना सकते हैं क्या, तो हाँ। तो देखो इंटरकन्वर्शन ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर इज द प्रोसेस बाय विच द मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट विदाउट एनी चेंजेस। सिंपली किसी भी चीज़ को सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनाना, या गैस से लिक्विड, या लिक्विड से सॉलिड बनाना, इसी को हम लोग कहते हैं इंटरकन्वर्शन, यानी चेंज करना इसके स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। सॉलिड को लिक्विड बना देना, लिक्विड को गैस बना देना, ऐसे करके चेंज करना, इसी को हम लोग कहते हैं इंटरकन्वर्शनल चेंजेस, ठीक है। तो देखो सिंपली अगर सॉलिड को गर्म किया जाए, इसको हीट दिया जाए, तो लिक्विड में वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग, जैसे आइस जो होती है उसको गर्म करें तो क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होकर वो लिक्विड बन जाता है। इसके बाद अगर लिक्विड को और गर्म किया जाए तो सिंपली वो होते हैं, वो आपके इवोपरेशन हो जाता है उसका, ठीक है, वो गैस बन जाता है, वो इवोपरेट होकर गैस बन जाता है, और उस प्रोसेस को कहा जाता है इवोपरेशन। इसके बाद गैस को अगर ठंडा किया जाए, कोल्ड किया जाए गैस को, तो वो लिक्विड बन जाता है, ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। तो सिंपली गैस को ठंडा करने पे क्या होता है, वो लिक्विड बन जाता है, इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। अगर आप स्टीम को यानी भाप जो होती है उसको ठंडा करो तो वो सिंपली वापस से लिक्विड के स्टेट में आ जाता है। उसके बाद अगर लिक्विड को और ठंडा किया जाए तो वो फ्रीज हो जाता है, ठीक है, इसको हम लोग प्रोसेस को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे इसको पूरी तरह से पढ़ते हैं। देखो सिंपली क्या होता है इस चेंज, तो हम लोग किसी भी चीज़ के स्टेट को चेंज करने के लिए दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या तो उसका टेम्परेचर चेंज कर दे, या फिर उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करे, उसे प्रेशर दे या फिर प्रेशर निकाल ले। तो देखो सबसे पहले चेंजेस ऑफ स्टेट बाय द चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर,
टेम्परेचर चेंज करने से सॉलिड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है या फिर किसी भी जो मैटर्स होते हैं उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखो सिंपली अगर सॉलिड के ऊपर हम लोग सिंपली टेम्परेचर बढ़ाए, टेम्परेचर को चेंज करें, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो मान लो कि हमारे पास आइस है और आइस जो होता है वो सॉलिड स्टेट में है, तो ठंडा होके वो गर्म होके क्या बन जाएगा, लिक्विड स्टेट में बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अगर हम लिक्विड को और गर्म करें तो वो गैस बन जाएगा, वेपर बन जाएंगे। वेपर क्या होता है, गैस होता है। तो सिंपली हमें दिख रहा है कि सॉलिड जो है वो गर्म करने पे लिक्विड और लिक्विड को गर्म करने पे वो क्या बन जा रहा है, वाटर वेपर्स बन जा रहा है। ठीक है, अब तो सिंपली कितने डिग्री पे गर्म करने पे जो लिक्विड है वो गैस बनता है, तो ये है 100 डिग्री। ठीक है, इसको इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बोला जाता है। तो 100 डिग्री तक गर्म किया जाए तो जो वाटर होता है वो गैस बन जाता है। ठीक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस जो है ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद कितने डिग्री तक ठंडा किया जाए तो कोई भी लिक्विड जो है या वाटर जो है वो सॉलिड बन जाएगा या आइस बन जाएगा। तो 0 डिग्री जो है इसमें कोई भी लिक्विड जो है या वाटर जो है वो क्या बन जाता है, वो आपका आइस बन जाता है। ठीक है, सभी लिक्विड के लिए अलग अलग होता है। नॉर्मली हम लोग सिर्फ वाटर का बात कर रहे हैं, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री होता है। इस टेम्परेचर पे ही वाटर आइस बनना शुरू होता है, इससे 1 डिग्री ऊपर भी नहीं बनता और इसके नीचे बन सकता है, ऊपर नहीं बनता नॉर्मली। और 100 डिग्री सेल्सियस जो है इस टेम्परेचर पे सिंपली जो लिक्विड है वो गैस बनना शुरू हो जाता है। ओके, इसके बाद देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑन अ मैटर। तो सिंपली सॉलिड को अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो वो लिक्विड में बदल जाता है, और लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो वो गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट करते हैं। ये हम लोग पहले पढ़े थे कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट करते हैं और बहुत दूर चले जाते हैं। और हम लोग जानते हैं कि अगर दूर जाएंगे तो वो लिक्विड बन जाएंगे और अगर बहुत दूर चले जाएंगे तो वो गैस बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसको गर्म किया जाए सॉलिड को तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर चले जाते हैं और वो सिंपली लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। अगर लिक्विड को और गर्म किया जाए तो वो उसके मॉलिक्यूल्स और दूर चले जाते हैं और उनके अंदर जो वाइब्रेशन है वो और ज़्यादा हो जाता है और वो गैस के रूप में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड बनने को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। ठीक है, और हर चीज़ का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस पॉइंट पे यानी इतने डिग्री टेम्परेचर पे जाके वो सिंपली क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जैसे वाटर जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री से ज़्यादा करेंगे टेम्परेचर तो जो आइस है वो वाटर में बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री ही है, यानी 0 डिग्री से नीचे करेंगे टेम्परेचर तो वाटर जो है वो आइस भी बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब 0 डिग्री में याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री है और फ्रीजिंग पॉइंट भी जो है वो 0 डिग्री ही है। ठीक है, और जैसे मान लो कि आयरन है, तो आयरन तो उसका इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। अगर आपको आयरन को मेल्ट करना है या लिक्विड बनाना है आयरन को, तो आपको 1000 डिग्री तक टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा। ठीक है, लिक्विड को हीट करने पे क्या होता है, तो लिक्विड को हीट करने से इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत दूर दूर चले जाते हैं और इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बढ़ जाता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बनने से ये अपना स्टेट चेंज करते हैं और ये गैस के रूप में चेंज हो जाते हैं। ओके, तो सिंपली ऐसा ही होता है और ये गैस के रूप में चेंज हो जाते हैं। तो लिक्विड से गैस बनने को हम लोग वेपराइजेशन या इवोपरेशन कहते हैं। ठीक है, आप डेफिनेशन यहाँ पढ़ लेना, द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड स्टेट चेंज टू इट्स वेपर स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। ठीक है, सिंपली लिक्विड से गैस बनना ही कहलाता है वेपराइजेशन। ओके, अब लिक्विड जो है वो जैसे ही गैस बनती है उसके पहले वो बॉयल करती है, यानी वो मतलब सिंपली उसकी गैस बनना शुरू होता है उसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग करना। ठीक है, वो बॉयल होती है उसके बाद वो इवोपरेशन करना शुरू कर देती है और हर लिक्विड का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी इस टेम्परेचर पे जाके वो बॉयल होना शुरू हो जाएगी और इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी गैस बनना शुरू हो जाएगा। तो वाटर का ये 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जबकि कुछ चीज़ों का ये कम होता है, जैसे मान लो कि सिंपली जो कैम्पोर होता है उसका कम होता है, इसके अलावा पेट्रोल जो होता है उसका इवोपरेशन रेट कम होता है, वो 50-60 डिग्री पर ही वो इवोपरेट होना शुरू हो जाता है। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो वाटर का ज़्यादा है 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि पेट्रोल का कम है। ठीक है, 50-60 डिग्री पे पेट्रोल जो है वो बॉयल होने लगेगा और सिंपली उसका इवोपरेशन शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ डिक्रीज टेम्परेचर ऑन अ स्टेट ऑफ मैटर। अगर टेम्परेचर कम किया जाए तो क्या होता है, देखो टेम्परेचर कम करने से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका गैप जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, और वो पास पास आ जाते हैं और पास आने के कारण क्या होता है, वो दोबारा से जैसे मान लो अगर वो गैस है और गैस को ठंडा किया जाए तो वापस से वो लिक्विड में बन जाता है।
ठीक है, और इस प्रोसेस को लिक्विडिफिकेशन या फिर कंडेंसेशन कहा जाता है। द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस इन इट्स गैसियस स्टेट चेंजेस इनटू इट्स स्टेट लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन और लिक्विडिफिकेशन। सिंपली गैस को ठंडा करने पे वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में चला जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं लिक्विडिफिकेशन। और जितने भी गैस होते हैं उनका अपना एक कंडेंसेशन पॉइंट होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि लिक्विड नाइट्रोजन है तो इसका कंडेंसेशन पॉइंट -70 डिग्री होता है। अगर इतना ठंडा किया जाए या माइनस कुछ होता है, आप गूगल में देख लेना कि लिक्विड नाइट्रोजन का जो कंडेंसेशन पॉइंट है वो कितना है। नॉर्मली आपको ये -70 या -80 डिग्री मिलेगा, मैं श्योर नहीं हूँ, तो आप एक बार गूगल में सर्च करना कि लिक्विड नाइट्रोजन का जो कंडेंसेशन पॉइंट है वो कितना होता है, ठीक है। और आपको मालूम चल जाए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता देना ताकि सबको पता चल सके, ओके। तो सिंपली लिक्विड नाइट्रोजन को इतना ठंडा करने पे वो लिक्विड बनेगा, ओके। ऑक्सीजन का भी अपना एक कंडेंसेशन पॉइंट होता है कि इतना ठंडा करेंगे तभी वो लिक्विड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, ओके। इसके बाद अगर लिक्विड को और ठंडा किया जाए तो वो सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। जैसे वाटर को ठंडा करने पे वो सिंपली आइस बन जाता है और आइस जो है वो सॉलिड है, ठीक है। तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे हमारा जो आइस जो लिक्विड है वो आइस में चेंज होना शुरू हो जाता है। इसको हम लोग बोल रहे थे फ्रीजिंग, ठीक है, वो फ्रीज हो जा रहा था, ठीक है। ये रहा द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस इट्स लिक्विड स्टेट चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। और हर चीज़ का अपना एक सॉलिड फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी इस पॉइंट पे जाके वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो 0 डिग्री जो है वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। इस टेम्परेचर पर जाकर ही वो फ्रीज होना शुरू होता है। चेंजेस ऑफ स्टेट बाय चेंजेस द प्रेशर। अब प्रेशर देने से क्या होता है, तो प्रेशर देने से मेनली सिर्फ जो गैस होते हैं उन्हीं का स्टेट चेंज हो सकता है, ठीक है। तो देखो लिक्विड जो होती है इसको अगर प्रेशर दिया जाए तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। ज़्यादा प्रेशर देने पे, दबाने पे ये क्या होता है, लिक्विड बदल जाती है। तो लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड कुकिंग गैस, ऐसा होता है। तो इसके ऊपर प्रेशर देकर इसको सिंपल लिक्विड फॉर्म में चेंज किया जाता है। और मान लो कि बहुत सारा गैस यहाँ पे, इसको प्रेशर देके बहुत छोटे जगह पे कंप्रेस कर देते हैं और ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, ओके। इसके बहुत यूजेस हैं। तो हमारा जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, तो पेट्रोल जो गैस होती है पेट्रोलियम गैस, इसको लिक्विड में चेंज करके हमारे घरों के सिलेंडर में भर देते हैं और उसको हम लोग कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा परफ्यूम्स के डब्बे में ऐसे गैस को लिक्विड बना के या लिक्विडिफाई करके डाला जाता है। इसके अलावा गैस लाइटर्स में भी ऐसे लिक्विड बना के गैस को भर दिया जाता है, ओके, ताकि थोड़े जगह पे बहुत सारा गैस अट सके। और ये लास्ट की एक्सपेक्शन है कि जो कुछ चीज़ें होती हैं जो सीधा सॉलिड से गैस बन जाती हैं, वो लिक्विड नहीं बदलती, ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं सबलाइम या फिर सब्लिमेशन, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीधा लिक्विड से गैस बनती हैं, जैसे कपूर या आयोडीन। तो कपूर को आपने जलते हुए देखा है, वो कभी लिक्विड नहीं बनता। अगर आप उसको गर्म करोगे तो सीधा वो गैस बन जाएगा, ठीक है, गायब हो जाएगा गैस बन के। तो इन सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं सबलाइम, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, तो डायरेक्टली कोई भी चीज़ सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है गर्म करने पे, तो उसी को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। तो ऐसा बहुत कम ही चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो कि इसमें आएगा कपूर या फिर आयोडीन या फिर नेप्थोलिन के जो बॉल्स होते हैं, ये सब, अमोनिया, ये भी, इसको अगर आप गर्म करते हो तो ये सीधा सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। ये सॉलिड से गैस में चेंज होते हैं, ये लिक्विड नहीं बनते। इसी को हम लोग कहते हैं सिंपली सब्लिमेशन। डेफिनेशन यहाँ पे है, द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट्स टू इट्स गैसेस स्टेट्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एंड थैंक यू, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। आई होप आप इसके क्वेश्चन आंसर्स आप कर पाओगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक थम्स अप दे दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं आया चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो कि आपने यूट्यूब से कितने अच्छे तरीके से इस चैप्टर को कम्प्लीट किया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।